तो आज हम लोगों ने हमारे ज़िंदगी का सबसे बेकार सोडा पिया, जिससे अरमान दांत दिखा एक बार। Hey guys, what's up everybody? I'm HP Throne, welcome back to another vlog. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हालत कुछ ऐसी है, एक घंटे के बाद हमें मांडवी के लिए निकलना है और हालत बहुत ख़राब है, ना रेडी हुआ हूँ, ना नाश्ता किया है, ना ब्रश किया है, ना कुछ किया है। तो फ्रेश होते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि अरमान आ रहा है मेरे को घर पर लेने के लिए और फिर हम लोग साथ में मांडवी के लिए निकलेंगे। तो बस मिलते हैं, वो जैसे ही आता है मैं रेडी हो जाता हूँ, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। तो अपना भाव आ गया है और यहाँ से पहले जाएंगे पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल भराएंगे, हवा चेक करवाएंगे, फिर सीधा मांडवी के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग रास्ता भूल चुके हैं और इन अंकल ने हम लोग को रास्ता दिखाया, नहीं तो हम लोग सीधा मुंद्रा हमेशा की तरह। हम लोग को रास्ता पता ही नहीं होता है, हम ऐसे ही निकल पड़ते हैं, ना गूगल देखा ना कुछ, गाड़ियों द्रोह की तरह इस बार भी। तो अभी हम लोग हैं केरा में और बस यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं, फिर निकलते हैं आगे, नहीं तो हम लोग सीधा मुंद्रा पहुँच जाते। तो अभी हम लोग वापस से केरा के बीच में से एक रास्ता जाता है, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो अभी ढूंढते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, भी नहीं पता है कि कहाँ से मुड़ना है और ऐसा है और वैसा है। तो अभी हम लोग किसी को पूछते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और बस। तो गूगल में अब हम लोग चालू करके ही जाएंगे, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली अभी हम लोग मांडवी एंटर कर चुके हैं, लोग लोकल स्ट्रीट घूमेंगे आज कि मांडवी अंदर से कैसा है। मेरे को मन था कि लोकल स्ट्रीट वगैरह घूमें और बस, और अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर चलते हैं सिटी के अंदर, वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी लोकेशन ढूंढते हैं पहले, तो फिर लोकल लोगों से पूछते हैं कोई अच्छी अच्छी लोकेशन हमें बताएं और हम वहाँ पर जाएं, तो बहुत मज़ा आएगा आज। तो अभी बज चुके हैं 12 और हम लोग रास्ता भूल गए थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो हम लोग सही टाइम पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर। सो कोई नहीं, होता रहता है वैसे। फाइनली अभी हम लोग को एक मस्त लोकेशन मिला है, तो बस यहीं पर फोटोशूट करेंगे हम लोग और यहाँ पर बहुत कमाल के फ़ोटोज़ आएंगे। तो अभी हम लोग कैमरा वैमरा निकालते हैं और फोटोशूट अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का हो रहा है फोटोशूट स्टार्ट और तुम लोग भी सिनेमैटिक एंजॉय करो। अभी हम लोग को यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, अभी हम लोग को दो और जगह विज़िट करनी है और वो भी ऐसी क्लासिक जगह हैं, मतलब कि वहाँ पर ऐसी पुरानी चीज़ों के लोकेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं मांडवी में। और तुम आओ तो तुम्हें फ़ोटोशूट वगैरह और कुछ भी बनाना हो वीडियो वीडियो, तो तुम लोग इस लोकेशन पर जा सकते हो। और चलते हैं, और इतने सारे बैग थे और ये एक मैंने लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कहीं खाना खाते हैं, क्योंकि भयंकर भूख लगी है हम लोग को और धूप का तो और गर्मी का तो बात ही छोड़ दो कि हम क्या बताएं। हम लोग स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ में और ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी होटल जहाँ पर हम लोग को अच्छा सा लंच मिल जाए, और हरदीप यहाँ पे ले रहे हैं कुछ स्ट्रीट फोटोज। कल हम लोग को मिले साइड से यहाँ पे ऊपर,
चलो गाड़ी अपन पार्क। अब मैं उधर जाऊँ, अब हम लोग करते हैं गाड़ी पार्क। अगर आपको आना, मैंने यहाँ की तारीफ बहुत सुनी है ओसो होटल से, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है और वहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ थी थैंक यू। हमारे साथ बहुत ही खतरनाक इंसिडेंस हुआ कि मैं गाड़ी पार्क करने गया था और अरमान का फोन गाड़ी में ही पड़ा था, तो मैं वहीं पर भूल के आ गया। फिर जल्दी जल्दी गया लेने, सब जान में जाना ही। तो अभी हम लोग खाते हैं खाना, खाने में है गुजराती थाली। तो अभी खाने के बाद फिर मिलते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाय। हाँ, पीकर पेट पूजा करके अभी हम लोग जाएंगे बीच की तरफ। हमने दो जगह बताई थी, वहाँ पर अभी कैंसिल हो गया जाने की, टाइम नहीं है। और अभी हम लोग को और भी कुछ चीज़ें देखनी हैं और शूट करनी है, तो उसके लिए ब्लॉगिंग कर तो चला गया लेकिन गाड़ी की चाबी मेरे पास। हाँ, तो अभी हम लोग जाते हैं बीच की तरफ, वहाँ कहीं छाँव में बैठते हैं और चिल मारते हैं थोड़ा बहुत, फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ढूंढेंगे यहाँ से बीच पर जाने का रास्ता और फिर बीच पर मिलते हैं भाई लोग। अभी हम लोग उतरे हैं रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए। यहाँ पर इस तरह से बोट बनाई जाती है और हम लोग बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अरमान बोल रहा है इस तरफ नहीं है, हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं दूसरी तरफ है, पर मेरे को याद है पर याद नहीं है, ऐसा कुछ है। हम जा तो रहे हैं अपनी, फिर पता नहीं, कंफ्यूजन है। तो मालूम ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसी तरफ है। फाइनली अब हम हैं बीच पर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम जिस जगह पर हैं वो पूरा खाली है और आराम से शूट हो पाएगा। और अरमान बस तैयार होके आ रहा है, फिर हम लोग शूट करेंगे और फिर नहाएंगे। आप लोग लुक एट द व्यू, गुड। हम लोग बस यहाँ पर कुछ ठंडा पीना है, ये धूप में खड़े खड़े हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो अरमान कैसी हालत तेरी अभी? बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि धूप है और नेट नहीं है मेरे पास, इंटरनेट भी खलास और इतना सारा सामान साथ में अभी गिरा होता। तो आज हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी का सबसे बेकार सोडा पिया, जिससे अरमान दांत दिखा एक बार। 4:30 बज चुके हैं और बहुत ही धूप तो है अभी भी, पर पब्लिक बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है। इतनी देर में हम लोग सोडा पी के आए, उतनी देर में अरमान वीडियोस देख रहा है कि कैसे आए और मेरे वीडियो बनाएंगे, रील वील बनाएंगे और फिर देखते हैं। नहाने का मन कर रहा है पानी देखकर। अभी हम लोग ला रहे हैं, अरमान पता नहीं कौन से सूट में पड़ा है पर यहाँ नहाने का मजा भाई। जिंदगी में पहली बार बीच पे आके नहाया, हाँ ब्राउन पानी हो गया।
तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप यू गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वी सेंड बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा।